पंडित रामा कृष्ण का सुपुत्र हूँ। अब देखो ना, मुझे अपना परिचय भी आपको स्वयं ही देना पड़ा। क्या करूँ, सबके सब आलसी हैं इस घर में। देखो कैसे घोड़े बेचकर सोए पड़े हैं। लो, बातों बातों में कितनी देर हो गई। आपने छोटे नन्हे पंडित के दर्शन और उसका परिचय तो पा लिया। अब मैं जरा अपने परिवार के समाचार ले लूं। अब देखो मेरा पैतरा, हर जरूरत हर बात कहने का एक ही रामबाण उपाय। अब हमारे आगमन की ध्वनि पूरे विजयनगर में गूंजेगी। शारदा, ज्योति अपने पिता जैसा बिल्कुल नहीं है। लामा दरबार में मुझे चला कर बना तो उसने मुझे क्या बना? कुछ भी नहीं। लामा पिता बना तो उसने मुझे क्या बना? कुछ भी नहीं। लेकिन इतना तो मुझे आते के साथ ही चाचा बना दिया। इसे मैं कहते लो नहीं दे सकता तो लो भाई। आया है चुप कराने। एक फूंक मारूंगा ना तो ये छत से दो बार टकराएगा। चुप हो जाना तो नुमनु। क्यों लोला, एक पीला प्याला चाचा आ गया है। चाचा, तुमसे बड़े चाचा तो चूहिया के बच्चे के होते हैं, इसीलिए मेरे सामने सदैव अपने कद में रहो और मेरी हद में भी। जाग गई लठधारी दादी हमारी। यदि इसके पेट की खुदाई की जाए तो विजयनगर के सारे लड्डू दफन मिलेंगे। घर में सबसे बड़ी है, आयु और आलस्य दोनों में। इतनी आलसी है, इतनी आलसी है, इसे बोलने तक में आलस आता है। और फिर जब ढोंग करती है मोहन व्रत का तो मेरी माँ को इसके लिए बोलना पड़ता है। कभी दो कदम चलना पड़ भी जाए तो अपने से अधिक लाठी को चलाती है। ये कैसे कैसे इशारे कर रही हो? चुपचाप हाथ चला और बदल मेरी लंगोट और निकल। मेरा पेट सहला के ना जाने कौन सा खजाना खोज रही है। किसी ने तुझे बताया नहीं कि छोटे बच्चे का लंगोट उसकी पेट से नीचे होता है? घर में सबसे बाद में स्नान करती है, लामा के पुतले ने उसको तब से पहले ही स्नान करा दिया। मैं तंबालू? ये संभालेगा चाचा घंटिया वाला। ये पहले पालने में लगी घंटियों से तो अपनी नजर संभाल ले। जब से पैदा हुआ हूँ ये घंटियों को घूर रहा है। नहीं घंटी चोर, पास नहीं आना। देख मैं चेतावनी दे रहा हूँ, मेरी घंटियाँ छूना भी मत।
शारदा शारदा उठो, वो रो रहा है। शारदा उठो, वो रो रहा है। शारदा उठो, वो रो रहा है। क्या रो रहा है? जरूर भूख लगी होगी, हम अभी जाते हैं। जाओ। लगता है उठ गई होगी, अब पहले स्वयं को निहारेगी, फिर सवारेगी, फिर निहारेगी, फिर और सवारेगी, और फिर शारदा शीघ्र करो, वो कितना रो रहा है। ओह, मैं पूछता हूँ, प्रतिदिन तुम दर्पण के सामने क्यों खड़ी हो जाती हो? क्या रात भर में अपनी शक्ल भूल जाती हो क्या? शक्ल भूलती नहीं हूँ, सवारती हूँ। अगर मैं सुंदर दिखूंगी तभी तो हमारा पुत्र भी सुंदर दिखेगा। बहुत सुंदर लग रही, जाओ अब जाकर संभालो उसे। उठा लो। ओ, उठा लो क्या? उठा लो सुबह सुबह। स्वयं से चद्दर उठा लो और फिर स्वयं को उठा लो और फिर चलो मेरे साथ अपने पुत्र को संभालो। रामा चलो हमारे साथ। अगर हमने उसे सांसें दी है ना, तो उसमें रक्त आपका ही है। वो केवल हमारा बेटा नहीं है, आपका भी है। इतनी शीघ्र भूल गई? रात भर उसकी पहरेदारी मैंने की ना, अर्थात मैंने उसे संभाला ना रात भर। अब तुम्हारी बारी है। वो कितना रो रहा है बेचारा, अवश्य उसे भूख लगी होगी। तुम जाकर उसे संभालो, मैं बस थोड़ी देर और सोकर आता हूँ। रामा गई मेरी जननी शारदा, इसे अभी मैं एक आदर्श माँ का प्रशिक्षण दे रहा हूँ। मुझे आशा है एक दिन ये सीख ही जाएगी। कैसे उठाऊं इसे? पहले एक हाथ मेरी गर्दन के नीचे और फिर दूसरा हाथ रुई जैसे मुलायम पिछवाड़े के नीचे और उठा ले। उठा लो, उठा लो, कोई तो उठा लो। कोई और क्यों उठाएगा शारदा, तू मेरी माँ है, तू उठा। और अब आई गई है तो लगे हाथ दूध पिला दे मुझे। सबके दर्शन हो गए, एक वो ही जाने कहाँ है जिसके नाम से मैं संसार में जाना जाऊंगा। ये समय कैसे जाग गए? लगता है रात क्षमता से अधिक खा लिया होगा, इसलिए पेट खाली करने उठा होगा जिससे फिर से भर सके। अब इसे नहलाकर जल्दी से तैयार भी कर दो। ये क्या है, सुबह में पहली बार मेरा मुख देख रहा है और फिर भी ना कोई आदर, ना कोई सत्कार, ना प्रणाम, ना नमस्कार। महाशय तुम्हारा ही पुत्र हूँ, आओ तो सही, मुझे पुचकारो तो सही। ये दे, मेरा राजा दूता। क्या? अरे ले 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 ले, मेरा लुल्लू पुल्लू गुल्लू गुल्लू बुल्लू 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 बुल्लू। अरे वाह, ये हुई ना बात। माना अभी आप मुझे पूरी तरह नहीं समझते हो, परंतु पिता होने के नाते मेरे हृदय की बात अवश्य समझते हो। अच्छा लग रहा है, थोड़ा दाएं, थोड़ा बाएं। रामा सच सच बताओ, इतनी जल्दी सुबह तैयार करना कोई कार्य है क्या? शारदा तुम भूल गई, आज इसके जन्म को पूरा एक सप्ताह हो गया है। दरबार में इसे देखने के लिए आयोजन रखा गया है। अरे पिताजी, बाबूजी, जो कुछ भी बोलते हैं आप जैसे प्राणी को। अरे मैं कोई प्रदर्शन की वस्तु हूँ क्या? मुझे नहीं जाना दरबार में,
वो आपका कार्यालय है, आप ही जाओ वहाँ। हाँ, इसे देखने के लिए सभी उतावले हो रखे हैं, इसलिए इसे तो आज लेकर जाना ही होगा। क्यों? देखो अभी तो पैदा हुआ हूँ, कुछ वर्ष तो इस बाले में विश्राम करने दो, अभी से मुझसे बाल मजदूरी मत करवाओ। हाँ हाँ, हम इसे अभी तैयार करते हैं। हमारा पुत्र दरबार जाएगा, वहाँ से बहुत सारे उपहार मिल पाएगा। ओ शारदा महोदया, अपनी आँखों से उपहार की पट्टी हटाओ और सोचो, जब हमारा पुत्र दरबार जाएगा तो इसे वहाँ सभी महानुभावों से उपहारों से कहीं अधिक आशीर्वाद और आशीष मिलेंगी, है कि नहीं? मेरे लिए मेरे विश्राम से बड़ा कोई उपहार नहीं है। और इस मुख्य सलाहकार को ये सलाह कैसे दूं कि घर को कार्य से और कार्य को घर से दूर ही रखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, महाराज आज इसके नामकरण के मुहूर्त की घोषणा भी करने वाले हैं। क्या अभी नामकरण शेष है? जब से पैदा हुआ जितने लोगों के मुख नहीं देखे उससे अधिक तो मैंने अपने अलग अलग नाम सुन लिए हैं। शुभोदा मिले दोनों वोनो। मेरा लुल्लू पुल्लू गुल्लू और ग्लू ग्लू। अरे इतने नाम तो मिल चुके हैं, अब पता नहीं और कौन से अतरंगी नाम मिलेंगे उस सतरंगी दरबार में। जीवन में खुशियाँ दो प्रकार की होती है गुरुवर, हमने विचार किया है। एक तो वो जो मनुष्य अपने व्यक्तिगत जीवन से प्राप्त करता है, और दूसरी वो जो अपनों से अपने प्रियजनों की खुशियों से उसे मिलती है। महाराज खुशियों का तो जाल होता है, जब हम अपनी व्यक्तिगत खुशियां मना रहे होते हैं तब इतने व्यस्त होते हैं कि हमें खुशियों का अनुभव ही नहीं होता है। परंतु हाँ, जब कोई मित्र हमें अपनी खुशियों में सम्मिलित करता है तब हमें खुशियों की असली अनुभूति होती है। सत्य वचन गुरुवर, सत्य वचन, हमें भी ऐसी खुशी की अनुभूति हो रही है क्योंकि आज पंडित रामकृष्ण अपने नवजात शिशु को लेकर प्रथम बार राज दरबार में पधार रहे हैं। हम प्रथम बार उस बालक का मुख देखेंगे और हमने विचार किया है गुरुवर कि हम आज ही उनके नामकरण की घोषणा भी कर देंगे। गुरुवर, हम आपसे ये चाहते हैं कि आप कुंडली देखकर कोई शुभ मुहूर्त निकालें नामकरण हेतु। तूने देखा कि हमारे गुरुजी कुंडली देख मुहूर्त निकालने की बात सुनते ही उनके चेहरे के तो नक्षत्र ही बदल गए। जिसने हर किसी में दोष ही निकाला हो मात्र उस मुहूर्त क्या निकालेगा। चसा शुभ मुहूर्त निकाले। महाराज की जय हो। आइए मंत्रीवर। प्रणाम महाराज। प्रणाम आचार्य। गुरुवर, ये पंडित रामकृष्ण के पुत्र की कुंडली है, लीजिए। आप तो इस प्रकार चिंतित हो रहे जैसे आपको कुंडली पढ़नी ना आती हो। आपको कैसे पता? नहीं, हमारा कहने का तात्पर्य है महाराज आपको ज्ञात नहीं है, हमें कुंडली देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हम तो अपने ब्रह्म दृष्टि से बच्चे का मुख देखकर सब कुछ बता सकते हैं। बच्चे के कल आज और कल का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल सकते हैं हम। कुतु जी, इतना दूर मत फेंको कि लपेटने में आप स्वयं ही लिपट जाओ। महाराज आप चिंता मत कीजिए, हम एक ऐसा मुहूर्त निकालेंगे, ऐसा मुहूर्त निकालेंगे जो आज तक ना निकाला गया हो। अब अंततः पंडित रामकृष्ण के पुत्र के नामकरण और भविष्य का प्रश्न जो है अद्भुत गुरुवार, हमें आपसे यही अपेक्षा थी। धन्यवाद महाराज। गुरुजी अब क्या बोलकर आ गए महाराज के सामने मुहूर्त और भविष्य? गुरुजी, जिससे आप अपना भक्त बनाना चाहते थे उल्टा उसकी सेवा तो आपको ही करनी पड़ रही है। अब आप ऐसा कीजिए, दो चार घंटे के लिए कहीं आराम से बैठ जाइए, एक हाथ में कुंडली और एक हाथ में पंचांग लेके। घंटे नहीं, माँ नहीं,
वर्षों वर्ष निकल जाएंगे। गुरुजी हमें ज्ञात नहीं था कि आप गिनती में इतने कच्चे हैं। अरे मूर्ख, हम कच्चे नहीं पक्के खिलाड़ी हैं। ऐसी कुंडली घुमाऊंगा पंडित रामा कृष्ण और उसके पुत्र की, ना तो जीवन भर दोष मिलेगा और ना ही निवारण का रास्ता। गुरुजी गुरुजी जो भी करना सावधानी पूर्वक करना, कहीं ऐसा ना हो कि इधर आप पंडित रामा कृष्ण की कुंडली को घुमाने जाए और उधर आपकी कुंडली में कोई नागराज कुंडली मारकर बैठ जाए। आने दो पंडित रामा कृष्ण को दरबार में। आज उसके पुत्र का दरबार में प्रथम दिन, उसके पिता पंडित रामा कृष्ण का अंतिम दिन ना बना दिया हम भी। राजगुरु तथाचार्य नहीं, पंडित रामा कृष्ण अपने सुपुत्र के साथ पधार रहे हैं। महाराज अरे मुझे आज ही पवन पुत्र हनुमान बना दोगे क्या? यदि इस चक्कर में कहीं मेरे लंगोट खुल गई तो फिर इस दरबार में सम्मानित बाद में होऊंगा, अपमानित पहले हो जाऊंगा। अति सुंदर है ये बालक। आपका शिशु पंडित रामकृष्ण निर्मल सुंदरता का प्रतीक है। निसंदेह ये शारदा देवी पर गया है। क्या बात है, ये उनमें से नहीं है जो मात्र नाम के महाराज होते हैं, ये तो दिखने में भी महाराज ही हैं, जैसा रामा ने कहानियों में सुनाया था। परंतु इसका सिंहासन कहाँ है? मेरी असली रुचि तो वही है। एक छोटा सा उपहार आपके लिए। कोई बात नहीं, आज तो इस हार को स्वीकार कर लेता हूँ, कल तो मुझे उस सिंहासन का अधिकारी बनना ही है। आइए महारानी जी, आप खेल। ओहो, ये दोनों रानियाँ कितनी सुंदर हैं। इनके हृदय तक अपनी एक मुस्कान तो पहुँचानी ही पड़ेगी। देखिए तो हमें देखकर किस प्रकार मुस्कुरा रहा है, पक्का शैतान है नटखट कहीं का। वैसे तुम दोनों भी कम नहीं लग रही। अरे अरे ये कौन आ गया बीच में, हटो जरा। बहुत अच्छे पंडित रामकृष्ण, अत्यंत ही सुंदर बालक है। सुंदर तो तू भी बहुत है गोलू मोलू कद्दू महाराज। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वाह वाह, प्रणाम महाराज। आइए गुरुवर। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम पंडित रामकृष्ण। वाह, बाप रे बाप, इसकी शक्ल तो देखो, समझ में ही नहीं आता कि शक्ल है या कोई दुर्घटना। अच्छे से देख ले, हम हैं राजगुरु तथाचार्य। आचार्य मुझे भी अच्छे से देख ले, मैं हूँ पंडित रामा का पुत्र।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.